हेलो, स्वागत है आपका पर एक और WWE 2K24 के ब्रांड न्यू वीडियो में। तो हिस्ट्री में पहली बार कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जो अभी तक किसी ने भी नहीं किया है, WWE 2K24 में स्पीड रन। और हाँ, थोड़ा नया लुक लगाया मैंने। क्यों लग रहा हूँ इस लुक में डोमिनिक मिस्टीरियो? तो बस अब फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बेल नोटिफिकेशन बोर्ड पर सेट कर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स गो। तो WWE 2K24 में स्पीड रन करने के लिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ एक 10 मैन रॉयल रंबल मैच, वो भी ब्रोक लेजर को लेकर एंट्री नंबर फर्स्ट पर कर डिफिकल्टी में। अब देखता हूँ मैं कितना जल्दी 10 मैन रॉयल रंबल मैच को खत्म कर पाता हूँ, क्या स्पीड रन हो पाएगा मेरे से, लेट्स सी। तो मैच हो चुका है स्टार्ट और इसकी स्टार्टिंग कौन कर रहे थे भाई? केन सर। और केन सर आते अपना अग्रेसिव रोल दिखाना स्टार्ट कर दिया, चोक स्लैम देने लग गए थे यार। लेकिन मुझे तो करना था स्पीड रन, क्योंकि जितना जल्दी हो सके मुझे करना है रिंग के अंदर जो भी सुपरस्टार है उसको एलिमिनेट। तो देखो कैसे मैं केन सर को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट करता हूँ। Fortune has not favored the entrance we've already seen, so what do you do at this point? You just need to survive. Know when to lay low because you're in for the long haul here. If you're smart, you may still be around at the end. Popped up. Whoa, change of plans. German suplex. Here comes entry number three. केन सर के एलिमिनेट होने के बाद फिर एंट्री होती है इलाइट जोन सेना की। तो भाई साहब, अब जोन सेना को क्या एलिमिनेट करता हूँ, विद इन 20 सेकंड के अंदर अंदर मैं जोन सेना को एलिमिनेट कर देता हूँ। कैसे करता हूँ देखो आप। तो इलाइट जोन सेना के एलिमिनेशन होने के बाद अब बारी आती है नंबर 4 एंट्री की। तो नंबर 4 पर एंटर करते हैं लोगन पोल। तो लोगन पोल का भी एलिमिनेशन बिल्कुल इजीली तरीके से विद इन 27 सेकंड के अंदर अंदर कर देता हूं। कैसे देखो। Everything working against Logan Paul now. Heavy work being done to Logan Paul right now. Multiple knee strikes. फिर नंबर 5 पर एंट्री लेते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंज। WWE 2K24 में 97 ओवरऑल के साथ ट्राइबल चीफ रोमन रेंज आते हैं। एक तो लीजेंड डिफिकल्टी, ऊपर से 97 ओवरऑल, तो एलिमिनेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी मैं ट्राइबल चीफ रोमन रेंज को एलिमिनेट कर देता हूँ। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन लास्ट में मैं ट्राइबल चीफ का एलिमिनेशन कर देता हूँ। कैसे देखो। Nope. Wait a second. Incredible German suplex. Waist lock go behind. Up and over with a German suplex. We're not finished yet. Another one. Oh, come on. Enough is enough. And continuing to punish their opponent with a German. Uh-oh. Batten down the hatches. We're about to get another one. Reigns now losing ground. The homework done on Roman is paying off. Looks like Solo Sikoa is out next, ready to shake Roman this rumble. Reigns has and that's been it. Eliminated. Roman Reigns is officially. Tribal Chief के जाने के बाद आते हैं उनके Bloodline टीम के ही मेंबर Solo Sikoa। और Solo Sikoa का भी एलिमिनेशन बिल्कुल इजी तरीके से within 48 सेकंड के अंदर अंदर कर देता हूँ। To this one. Yeah, he's showing no signs of ending this assault. Uh-oh. Batten down.
gets taken a step back in the wrong direction there. Here we go. And we have another superstar. तो सोलो सिकोवा का एलिमिनेशन करने के बाद अब इंतजार था मुझे नंबर 7 पर एंट्री करने वाले सुपरस्टार का। तो नंबर 7 पर आते हैं फिर स्टारडस्ट, कोडी रूट्स के पुराने रूप। अब इनके एलिमिनेशन के बारे में क्या ही बताओ, आप खुद ही देख लो। Sharp knee to the body. Setting up. Suplex. Oh, mounting it now. Just hammered away with the rights. Elbows right to the forehead. My God, what a striking display. Waist lock, go behind. Up and over with a German suplex. We're not finished yet. Another one. Oh, come on. Enough is enough. Who's this going to be? These consecutive attacks have him reeling. He's on his heels, that's for sure. अब जैसे ही मैं स्टारडस्ट को एलिमिनेट करने वाला होता हूँ तो नंबर 8 पर एंट्री ले लेते हैं डोमिनिक मिस्टीरियो। तो लगे या तो फिर इसको भी लपेटे में लेते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि मैंने इसका जैसा लुक लिया है वो हो गया यार, चलता रहता है। Look at this power in the impact of the German suplex. And finds a counter. अब यहां पर मेरे से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई कि यहां पर मैं देना चाह रहा था फिनिशर, लेकिन लग गया सबमिशन, जिससे कि मेरा थोड़ा सा टाइम वेस्ट हुआ। लेकिन डोमिनिक मिस्टीरियो के लिए सिग्नेचर फिनिशर की जरूरत ही नहीं थी, ये बेचारा तो वैसे एलिमिनेट हो जाता है। देखो, बिना किसी फिनिशर के साथ ही मैं इसको एलिमिनेट कर देता हूं। And here comes Jey Uso. तो डोमिनिक मिस्टीरियो का एलिमिनेशन कर मुझे लगा कि मेरा स्पीड रन अब टॉप लेवल पर जाने वाला है। लेकिन मुझे क्या पता कि नंबर 9 पर ये फॉर्मर ब्लडलाइन मेंबर जे उसो एंट्री लेकर मेरे स्पीड रन मैच की वाट लगाने वाला है। तो फास्टेस्ट 2K24 रॉयल रंबल मैच विक्ट्री बनाने ही वाला था कि ये सीन हो गया। कोई नहीं, इसके बाद फिर सीएम पंक एंट्री लेते हैं और सीएम पंक भी भाई आते ही जे उसो को एलिमिनेट कर देते हैं विद इन 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर, और फिर सीएम पंक इस रॉयल रंबल मैच के विनर बन जाते हैं। लेकिन मेरा स्पीड रन रह गया ब्रो, पता नहीं क्यों ब्रोक लेसनर को लेता हूं तो जीत ही नहीं पाता हूं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो बस आज की ये वीडियो यही तक ही थी। आई होप सो आपको पसंद आई होगी, कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की है, आई होप सो आपको पसंद आया होगा। और इस WWE 2K24 रॉयल रंबल मैच का स्पीड रन हुआ है 6 मिनट और 30 सेकंड। 6 मिनट 30 सेकंड में 10 बेल रॉयल रंबल मैच खत्म। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर एंड पीस आउट। Just a high.